हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि सभी अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्लास नाइन्थ के मंथली एग्जामिनेशन सितंबर 2023 का, कक्षा नाइन्थ का मासिक परीक्षा सितंबर 2023 में। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सोशल साइंस कंपल्सरी, सामाजिक विज्ञान का ये जो प्रश्न पत्र है ये है सब्जेक्टिव। हम बताएंगे, ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी बना दिया गया है, तो आप लोग जाकर हमारे चैनल पर ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं। ये सब्जेक्टिव का पूरा क्वेश्चन वाइज आंसर पूरा चीज़ बताऊंगा। ये देखिए, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों का खंडवा में यहाँ पर देखिए केवल इसमें सब्जेक्टिव लाया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका सब्जेक्टिव रहेगा, इसका आंसर यहाँ पर दे दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्लास नाइन्थ हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2023 का ये सब्जेक्टिव है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सोशल साइंस का। चलिए हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन के साथ साथ में हम लोग आंसर करेंगे। चलिए हम लोग खंड ब सेक्शन ब में आ गए हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं खंड ब सेक्शन में आ गए हैं। यहाँ पर दिया गया है प्रश्न एक से दस तक लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें से पांच प्रश्न का उत्तर देना है। दस को प्रश्न दिया गया है, प्रत्येक दस नंबर का मतलब दो नंबर का रहेगा, तो दस नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इतिहास में देख लेते हैं। इतिहास में यहाँ पर देख सकते हैं दो को प्रश्न यहाँ से इतिहास में दे दिया गया है। तो देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है कि वर्षीय की संधि का उद्देश्य क्या था। वर्षीय की संधि का उद्देश्य क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाशिंगटन टी पार्टी का घटना को बताइए, ठीक है। उसके बाद में नीचे बढ़ते हैं, तो देखिए उसके बाद में राजनीतिक विज्ञान से यहाँ पर दो क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया गया है। तो यहाँ पर दिया गया है कि आदर्श आचार संहिता क्या होती है, आदर्श आचार संहिता क्या होती है। तीन नंबर, चार नंबर प्रश्न दिया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य लक्ष्य क्या है, ठीक है। उसके बाद में अर्थशास्त्र यहाँ पर दे दिया गया है, देख सकते हैं। जनसंख्या विस्फोट से क्या अभिप्राय है। उसके बाद में है कि छिपी बेरोजगारी को परिभाषा करें, ठीक है। उसके बाद में भूगोल ज्योग्राफी पर यहाँ पर दिया गया है कि हिमालय और प्रायद्वीपीय पर्वतों को दो मुख्य अंतर बता देना है, ठीक है, भूगोल में। उसके बाद में भूगोल में ही अथवा में दिया गया है, इसको बनाइए या फिर इसको बनाइए, दिया गया है कि फेरल का नियम क्या है। उसके बाद में आपदा प्रबंधन से यहाँ पर देख सकते हैं परमाणु ऊर्जा के क्या लाभ हैं, जैविक आपदा से आप क्या समझते हैं। देखिए, अथवा का बनाइए या फिर ऊपर वाला का बनाइए या फिर अथवा का बनाइए, ठीक है। कोई आपको बना लेना है, ठीक है, तो आप लोगों को बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए, इसका आंसर किस प्रकार से देना है वो मैं आपको बता। चलिए, उसके बाद में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर आपके सामने आएगा। तो दीर्घ उत्तरीय में यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रश्न 11 से 18 तक दिया गया है, चार प्रश्नों का उत्तर देना है और प्रत्येक चार चार नंबर का प्रश्न का रहेगा, 16 नंबर यहाँ से आपको मिलेगा। चलिए, इतिहास में एक प्रश्न दिया गया है। इतिहास में देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है, दिया गया कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के परिमाण का उपनिवेशिक विश्व के किस प्रकार प्रभावित किया। उसके बाद में फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक और सामाजिक कारण क्या है। उसके बाद में 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया राजनीतिक में, देखिए अथवा वाला है, 11 नंबर बनाइए या फिर 12 नंबर बनाइए, ठीक है। उसके बाद में देखिए लोकतंत्र में चुनाव की आवश्यकता कब पर चर्चा कर देना है। उसके बाद में राजनीतिक में 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्यों का चर्चा कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए दिया गया है कि भारत में मानवीय पूंजी के विकास का परिचय दीजिए, ठीक है। उसके बाद में अथवा में देखिए यहाँ पर अर्थशास्त्र का अथवा में देखिए दिया गया कि गरीबी उन्मूलन के चार उपाय लिख देना है। उसके बाद में भूगोल में दिया गया है कि भारत में वनस्पति और वनस्पति प्रणालियों को विविधता किन भौगोलिक कारणों में पाई जाती है। उसके बाद में दिया गया है कि 18 नंबर में कि भारत के उत्तर में विशाल मैदान की विशेषताएं को लिख देना। इतना ही क्वेश्चन आपको मतलब दिया रहेगा, ठीक है। चलिए, अब आंसर की बात कर लेते हैं, नीचे बढ़ेंगे, आंसर देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर लघु उत्तरीय में पहला का आंसर दे दिया गया यहाँ पर, ठीक है। पहला का इस प्रकार से आंसर दिया गया है, आप लोग इसको स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन शॉट, इसको पहला का उत्तर का ले लीजिए, यहाँ पर स्क्रीन शॉट दिया गया है, ले लीजिए। उसके बाद में दूसरा का यहाँ पर उत्तर दे दिया गया है, ठीक है। पाँच प्रश्नों का उत्तर देना है तो मैं पूरा का दे दिया हूँ। उसके बाद में तीन का यहाँ पर दिया गया है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। चार का भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए जल्दी से जल्दी, ठीक है। पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि अभी 11th 12th का बाकी है, 10th का भी बाकी है, पूरा बनाना है हमको, ठीक है। चलिए, उसके बाद में पाँच का यहाँ पर उत्तर दे दिया गया, तो पाँच को ही बनाना है आपको, जो जो हम आंसर बताएं। अथवा वाला नहीं बनाए हैं, ठीक है, ऊपर वाला का ही हम बना दिए हैं, तो जो बनाया है वो बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है। पाँच का यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में 11 का यहाँ पर दे दिया गया है, ठीक है। 11 नंबर का यहाँ पर आंसर दे दिया गया है, इसमें से चार को बनाना है तो 11 बना दिए हैं। उसके बाद में 13 बना दिए हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पर दो को बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पर कितना प्रश्नों को बनाना था, चार प्रश्नों का, तो दो प्रश्नों को बनाए हैं, दो अपना मन से बना लीजिएगा, ठीक है। तो इसका सभी का स्क्रीनशॉट आप लोग जोरदार तरीके से ले लीजिए। 13 का ये हो गया, 11 का ये हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं 5 का, 4 का, 3 का, 2 का और
यहाँ पर एक का स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए और अपना कॉपी कलम लेकर लिख लीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो विद्यार्थी इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से जाकर आप लोग अपना पीडीएफ ले सकते हैं और जाकर एग्जाम में पूरा का पूरा छाप सकते हैं। तो जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम कल ही आप लोगों का होने वाला है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा व्हाट्सअप नंबर ले लीजिए 6207-32720, ठीक है। तो इस बार मैसेज कीजिएगा, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ दूंगा। थैंक यू, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, टेक केयर अपना।